आजादी उसके तकाजे क्या है। हम आजाद हैं इस मुल्क में, हम आजाद हैं और दीगर तमाम लोगों तक ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम आजाद हैं तो इस आजादी के तकाजे क्या है, ये आजादी हमसे किन चीजों का डिमांड करती है। नंबर एक, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि हम आजाद हैं, हमें इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया जब बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म व सितम से निजात मिली, शुक्र अदा किया उन्होंने। ऐसे ही हम आजाद हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर दो, अकीदे तौहीद को कायम करना। हम आजाद हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो चाहें करें, जहां चाहें जो चाहें जैसे करें। आजादी बाकी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन, कि जो लोग ईमान लाए और ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाया, इन्हीं लोगों के लिए क्या है, अमन है। और अमन कब मिलता है, जब आजादी होती है। मफ़हूम मुखालिफ क्या है, अपोजिट मीनिंग क्या है, अगर आप तौहीद के साथ शिर्क करोगे अल्लाह अमन की नेमत छीन लेगा। कैसे, आपको किसी के हाथ का खिलौना बना करके, आपको किसी की कैद में डाल करके। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का उसूल है कि जब आप अल्लाह के फरमान के मुताबिक नहीं चलेंगे, तौहीद को कायम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपसे अमन व अमान की नेमत छीन करके आपको किसी के हाथ का खिलौना बना देगा। ये नंबर दो। नंबर तीन, इस्लामी कवानीन का क़याम। इस्लामी कवानीन का क़याम कि शरीयत ने जो जो कानून, जो जो, इसीलिए हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने, जब ये कानून बन रहा था जमहूरियत का कानून 1950 में 26 जनवरी को जो बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में, अगुवाई में, हमारे उलमा ने बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से सारी कवानीन, सारी शर्तें इस जमहूरियत के कानून और उसके तमाम तर चीज़ों की रोशनी में मुसलमानों का अपना पर्सनल कानून, उसकी डिमांड की और बाकायदा इस डिमांड को जो है कबूल किया गया। क्यों ऐसा, इसलिए कि हम आज़ाद हैं लेकिन हम मुसलमान भी हैं और बहैसियत मुसलमान हमारा दीन हमसे कुछ बातों का तकाजा करता है। अगर उन तकाजों को हम पूरा नहीं करते हैं तो अल्लाह हमारा रब हमसे नाराज होगा। इसलिए आजादी मिली है, इसका तकाजा यह है कि इस्लामी कवानीन पर अमल करो, वरना आजाद रह करके आप सोचो जैसे चाहो कारोबार करो, जैसे चाहो मार्केट में रहो, जिसको चाहो धोखा दो। तो सुनो, वलम्यन कुसुर मिकिया लवल मीजान, जब कोई कौम नाप तोल में कमी कर दे, अल्लाह के कानून से खिलवाड़ करे, इल्ला उखिदु बिस्सिनीन, अल्लाह बारिश छीन लेता है, वो शिद्दतिल मौऊना, अल्लाह महंगाई उस बाजार में मार्केट में ले आता है, वो जौरी सुल्तानी अलैहिम, और किसी जालिम हुक्मरान को अल्लाह इसी कौम पर मुसल्लत कर देता है। आप आजाद हैं लेकिन आप इस्लामी कानून के पाबंद हैं। जहां आप इस्लामी कानून को तोड़ेंगे वहां अल्लाह आपके मार्केट में, आपके इलाके में ऐसी ऐसी मुसीबतें पैदा कर देगा। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।